करो ज्यादातर चर्च आज ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिलीवर्स विश्वासी ऑफलाइन हो रहे हैं, परमेश्वर से अलग हो रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। खुदावंत यीशु मसीह के नाम में यार आप सभी का आज के इस शॉर्ट बाइबल मैसेज में हम स्वागत करते हैं। प्यारो, आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत गंभीर बातों को हम आज आपके आगे रखना चाहते हैं। प्यारो, प्लीज इसे ध्यान से सुनिए, इग्नोर मत करना। प्यारो, पिछले कुछ महीनों से लगभग हर एक चर्च ऑनलाइन चल रहे हैं और ऑनलाइन चर्च हम सभी के लिए आशीष का कारण बने। प्यारो, हम घर बैठे परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, लेकिन इस फायदे के पीछे शैतान एक बड़ा नुकसान विश्वासियों को पहुंचा रहा है। प्यारो, और उस विषय में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन का मतलब क्या है प्यारो, वो समझ लेते हैं। ऑनलाइन मतलब जुड़ा हुआ होना, कनेक्टेड हम बोल सकते हैं। प्यारो, ऑफलाइन का मतलब है डिसकनेक्टेड। प्यारो, ज्यादातर चर्च आज ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिलीवर्स विश्वासी ऑफलाइन हो रहे हैं, परमेश्वर से अलग हो रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, आत्मिक रीति से कमजोर हो रहे हैं। प्यारो, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम घर में ऑनलाइन चर्च में जुड़ते हैं, तब जो अनुशासन, डिसिप्लिन, गंभीरता हमें रखनी चाहिए वो हम नहीं रखते। जब हम चर्च में जाते थे वहां कोई देखने वाला होता था, पास्टर की नजर हम पर होती थी, लेकिन घर में कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, और इसी कारण जो अनुशासन, डिसिप्लिन, गंभीरता चर्च अटेंड करते समय हमें होनी चाहिए प्यारो, वो नहीं रहती। प्यारो, जब एक बार मैं एक जूम मीटिंग अटेंड कर रहा था, परमेश्वर के दास वचनों से सिखा रहे थे, समझा रहे थे, और एक बहन भी वहां पर जुड़े हुए थे। गलती से उनका कैमरा ऑन रह गया था और मैंने देखा कि वे वचन को भी सुन रहे हैं और साथ में आटा भी गूंथते जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात, खुद का काम भी निपटा दो, परमेश्वर को भी खुश कर दो, और हमारा नाम देखकर पास्टर साहब भी खुश। क्या ये हमारा अनुशासन है प्यारो? क्या परमेश्वर को सम्मान देने का ये हमारा तरीका है प्यारो? हम ऑनलाइन चर्च सर्विस को, ऑनलाइन मीटिंग्स को हल्के में नहीं ले सकते प्यारो। जो परमेश्वर जब हम चर्च में जाते थे तब वहां उपस्थित रहते थे, वही परमेश्वर जब हम घर में ऑनलाइन चर्च या तो मीटिंग अटेंड करते हैं तब भी वही परमेश्वर उपस्थित रहते हैं, और हम परमेश्वर की उपस्थिति का अपमान करते हैं प्यारो। कई लोगों को हमने देखा जब ऑनलाइन चर्च या तो ऑनलाइन बाइबल स्टडी या तो ऑनलाइन मीटिंग चलती होती है तब व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, और वे बहुत स्मार्ट होते हैं, पास्टर साहब को अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए बीच बीच में कमेंट भी करेंगे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्यारो गलत फहमी में न रहे, भले पास्टर साहब हमें नहीं देख रहे लेकिन परमेश्वर जरूर हमें देख रहा है प्यारो। कुछ लोग ऐसे भी हैं प्यारो, जब चर्च सर्विस शुरू होती है तब वे बैठे हुए होते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो धीरे धीरे करके लेट जाते हैं, सोते सोते प्रभु की आराधना, सोते सोते वचन को सुनना। क्या ये परमेश्वर को सम्मान देने का तरीका है प्यारो? कुछ लोग ऐसे हैं, परमेश्वर के दास को, पास्टर को जो भी बोलना हो वो बोलते रहे और वे अपना काम बीच बीच में निपटाते जाते हैं, बीच बीच में फोन कॉल्स अटेंड करेंगे, कुछ खाना पीना चलता रहेगा। कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं लेट ज्वाइन करूंगा, क्या जाता है, कौन देखता है। प्यारो, अगर आप ऑनलाइन चर्च सर्विस के विषय में, ऑनलाइन बाइबल स्टडी के विषय में, ऑनलाइन मीटिंग्स के विषय में गंभीर नहीं है, आप ऑफलाइन हो जाओगे, धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर हो जाओगे, और परमेश्वर से दूरी मतलब शैतान से नजदीकी। प्यारो, आप खतरे में हो प्यारो अगर आप ऑनलाइन चर्च सर्विस को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। प्यारो, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम ये मान लेते हैं कि हमें देखने वाला कोई नहीं है,
लेकिन हमें याद रखना है प्यारो, कोई और हमें देखे या ना देखे, पास्टर साहब ही शायद हमारे घरों में हमें ना देख पाए, लेकिन परमेश्वर की नजर हम पर बनी रहती है प्यारो। परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास 16 और 9 में कहता है, परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर फिरती रहती है प्यारो, उसकी नजर आपके ऊपर है प्यारो। यूहन्ना पहला अध्याय उसमें लिखा है, जब प्रभु यीशु नतनएल से मिलने जाते हैं, प्रभु यीशु तुरंत उससे कहते हैं, फिलिप्पुस से तू मिला, उससे पहले तू अंजीर के पेड़ के तले खड़ा था। प्रभु यीशु को पता था कि नतनएल क्या कर रहा था, कहां खड़ा था, सब कुछ यीशु जानते थे प्यारो। हम आपको कहना चाहते हैं, ऑनलाइन चर्च सर्विस में, आपके घरों में, आप कैसे उसे अटेंड करते हो, क्या करते हो, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते हो प्यारो, सब कुछ प्रभु जानता है प्यारो, सब कुछ प्रभु जानता है, सब कुछ प्रभु यीशु देखते हैं प्यारो। आइए आज से गंभीर बने प्यारो। प्यारो आप जब भी ऑनलाइन चर्च सर्विस में या तो बाइबल स्टडी में या तो मीटिंग में जब जुड़ते हो, तब इन बातों को याद रखिए प्यारो, इन गलतियों से बचे रहे प्यारो, क्योंकि अगर हम ये गलतियां चालू रखते हैं तो आगे जाकर इसके बड़े और गंभीर परिणाम आ सकते हैं प्यारो। इस मैसेज को मैं पूरा करूं उससे पहले छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारो। एक पहाड़ है, उसके ऊपर जब बारिश का पानी गिरता है तब वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक झरना पूर्व की ओर बहने लगता है और दूसरा जो झरना है वो पश्चिम की ओर बहता है प्यारो। पूर्व की ओर जो झरना बहता है वो वहां से आगे बढ़कर मिसिसिपी नदी में जाकर गिरता है, वहां से वो मेक्सिको की खाड़ी में गिरता है और आखिर में वो अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरता है। लेकिन पश्चिम की ओर से जो झरना बहता है वो कोलंबिया नदी में जाकर गिरता है और वहां से आखिर में पैसिफिक ओशन में जाकर गिरता है। एक ही जगह से, एक ही पहाड़ से दो झरने निकले, दोनों अलग अलग दिशा में आगे बढ़ते गए और एक जो झरना था वो अटलांटिक ओशन में जाकर गिरा और दूसरा जो झरना है वो पैसिफिक महासागर में जाकर गिरता है। आप जानते हो ये दोनों महासागर के बीच का अंतर क्या है? 5,000 माइल। शुरुआत छोटी थी, थोड़ा ही अंतर था, लेकिन जब वो आगे बढ़ते गए आखिर में जो अंतर था वो 5,000 माइल का था। क्या वो इसी प्रकार आज के समय में ऑनलाइन चर्च सर्विस अटेंड करते समय जो छोटी छोटी गलतियां हम कर रहे हैं, अगर हमने उसे चालू रखा, आगे जाकर उसके बड़े और गंभीर परिणाम हमें देखने पड़ सकते हैं प्यारो। हमें उसके विषय में गंभीर बनना है प्यारो। परमेश्वर का वचन श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय और 15वीं आयत में कहता है, जो छोटी छोटी लोमड़िया दाख की बारियों को बिगाड़ती है उससे पकड़ लो। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो आज हमारे जीवन को बिगाड़ रही है, हमें आत्मिक रूप से कमजोर बना रही है, हमें परमेश्वर से दूर कर रही है, हमें ऑफलाइन कर रही है प्यारो, उससे हमें हमारे जीवनों से दूर करना है, हमें उसके विषय में गंभीर बनना है। आइए आज परमेश्वर से कहे, प्रभु अगर ऐसी गलतियां मैंने की है, प्रभु आप मुझे क्षमा करिए और आज से यह अनुग्रह दीजिए कि जब भी मैं ऑनलाइन चर्च सर्विस अटेंड करूं, मैं ये याद रखूं कि भले ही मेरे पास्टर मुझे देखते हो या ना देखते हो, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। आइए हम छोटी सी दुआ करें। परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आप हमें क्षमा करिए, चर्च तो ऑनलाइन हो चुके हैं और चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम ऑफलाइन हो रहे परमेश्वर, हमारी गलतियों के कारण, क्योंकि हमने ऑनलाइन चर्च सर्विस को गंभीरता से नहीं लिया। प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए, लेकिन आज से यह अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, हम आपकी प्रेजेंस के विषय में, आपकी उपस्थिति के विषय में, जो हम जब घर में ऑनलाइन चर्च सर्विस पर जुड़ते हैं तब उतर आती है, उसके विषय में हम गंभीर बने परमेश्वर। कोई भी गलती आज हम कर रहे परमेश्वर, भले ही वो छोटी लगती हो, हमें आने वाले दिनों में वो बड़े और गंभीर परिणाम ला सकती है, उसके विषय में आप हमें गंभीर बनाए और उसे दूर करने के लिए, उसमें से बाहर आने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए, उसमें सुधार लाने के लिए अनुग्रह दीजिए। हमारी दुआ प्रभु यीशु के नाम से आप कबूल करिए प्यारे पिता। आमेन और आमेन।